बहुत मजबूत गठबंधन है आरणी जैन चौधरी जी और माननीय अखिलेश यादव जी का, और चौधरी चरण सिंह जी की विरासत, उनकी सोच को आदरणीय नेताजी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की विचारधारा को आगे ले जाने वाला ये गठबंधन है। चाहे कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले, कोई कितने भी तमन्नाएं कर ले, ये बड़ा मजबूत गठबंधन है, इसको कोई हिला नहीं पाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी यूपी की तमाम पार्टियों के बीच अटकलों का दौर भी जारी है। अभी पिछले दिनों रालोद प्रमुख चरण चौधरी को लेकर खूब चर्चा हुई कि अखिलेश और जयंत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन इन तमाम अटकलों और हवाओं को रालोद समेत सपाई भी नकारते रहे। बहरहाल ऐसे में अब सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने जयंत चौधरी को लेकर पूछे गए सवालों पर जवाब देते हुए कहा, बहुत मजबूत गठबंधन है आरणी जयंत चौधरी जी और माननीय अखिलेश यादव जी का, और चौधरी चरण सिंह जी की विरासत, उनकी सोच को आदरणीय नेताजी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की विचारधारा को आगे ले जाने वाला ये गठबंधन है। चाहे कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले, कोई कितने भी तमन्नाएं कर ले, ये बड़ा मजबूत गठबंधन है, इसको कोई हिला नहीं पाएगा। तो धर्मेंद्र यादव की माने तो जयंत चौधरी को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने साफ कहा है कि सपा और आरएलडी का गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, जो अफवाहों से कभी नहीं टूटेगा। दरअसल ये बयान उन्होंने शाहजहांपुर में दिया है, जहां धर्मेंद्र यादव फूलन देवी के जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के हर सवाल का जवाब दिया। आपको बता दें कि जयंत चौधरी को लेकर ऐसी अटकलें इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल के दौरान जयंत वोटिंग से गायब रहे, और इसके बाद सीएम योगी से आरएलडी विधायकों की मुलाकात की आई तस्वीर ने इन अटकलों को हवा दे दी। लोगों के मन में सवाल है कि क्या यूपी में सपा आरएलडी का गठबंधन टूट जाएगा। हालांकि इसी बीच रालोद की तरफ से आधिकारिक रूप से हर अटकलों का जवाब भी दिया गया। ये सब सिर्फ अफवाह मात्र है, इनमें कोई भी सत्यता नहीं है। शाहजहांपुर से विनय पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।